उड़ीसा के बालासोर जिले में हुए रेल हादसे ने पूरे देश को विचलित कर दिया है। इस त्रासदी के पीड़ितों की मदद सरकार तो कर रही है, साथ ही घटनास्थल के आसपास के लोग भी आ गए हैं। एनडीआरएफ, सेना, पुलिस और डॉक्टर से लेकर तमाम राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं समेत आम लोगों ने मोर्चा संभाल लिया है। ट्रेन के हादसे वाली जगह पर चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन से लेकर अस्पतालों तक में मदद के लिए लोग डटे हैं। इंसानियत की बड़ी मिसाल पेश करते हुए उड़ीसा के युवा पीड़ितों की मदद के लिए संसाधनों से लेकर अपना खून तक देने को तैयार है। यही वजह कि रक्तदान के लिए बालासोर के अस्पताल में भीड़ उमड़ रही है। उड़ीसा के बालासोर जिले के अस्पतालों से सामने आई तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि ट्रेन हादसे के घायलों को अपना खून देने सैकड़ों स्थानीय युवा कतार में खड़े हैं। अपने अपने वाहनों से पहुंचकर भीषण गर्मी में रक्तदान करने के लिए इंतजार तक कर रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट करते हुए कहा कि डॉक्टरों की दो टीमें एम्स भुवनेश्वर से दुर्घटना स्थल बालासोर और कटक के लिए भेजी गई हैं। हम लोगों का अनमोल जीवन बचाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। रेलवे की ओर से सोरो मेडिकल यूनिट में घायल यात्रियों को 5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि सौंप दी गई है। बहरहाल घायलों के लिए युवाओं का रक्तदान करना फिलहाल चर्चाओं में है।